हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस किया था कि कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। सो टुडे वी विल फोकस ऑन वन ऑफ द कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल दैट इज लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। सो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज लॉक। ठीक है, लॉक क्या होता है? लॉक का मीनिंग एक तरीके से आप अपने घर में जब कहीं बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, आप लॉक लगाकर चले जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि कोई दूसरा पर्सन, कोई आपका आस पड़ोसी उस लॉक को ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक आप उसको परमिशन नहीं देते हो। ठीक है, आपने लॉक लगाया और आपने लॉक की जो की है आपने पास रख ली। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो गया आप वापिस आए, आपने लॉक ओपन कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर का यूज कोई और नहीं कर सकता जब तक आप उसको की प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लॉक का वही है कि यहाँ पर एट ए टाइम एक ट्रांजेक्शन ही एक पर्टिकुलर डेटा आइटम को एक्सेस कर पाएगी। अगर कोई दूसरी ट्रांजेक्शन डेटा आइटम को एक्सेस करना चाहती है तो वो क्या करेगी, परमिशन लेगी। अगर आप उसको ग्रांट करेंगे तो ही वो उसको एक्सेस कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी बात है, मान लीजिए आपके पास डेटा आइटम ए है, फाइन। ठीक है, तो डेटा आइटम ए, इसको हम बोलते हैं शेयर्ड वेरिएबल, फाइन। तो ये शेयर्ड वेरिएबल है, इट मींस इट कैन बी शेयर्ड अमंग मल्टीपल ट्रांजेक्शन। तो जिस ट्रांजेक्शन को इसको यूज करना है पहले वो क्या करेगी, इसको लॉक करेगी, लॉक ऑफ ए। इट मीन्स क्या होगा कि डेटा आइटम ए को लॉक कर दिया गया है। अब जिस ट्रांजेक्शन ने इसको लॉक किया है उसी को एक्सेस मिलेगा, दूसरी ट्रांजेक्शन को एक्सेस नहीं मिलेगा। जैसे ही ये ट्रांजेक्शन अनलॉक करेगी, अनलॉक ए करके, तो क्या होगा कि जो लॉक है वो आपने रिलीज कर दिया। अब दूसरी ट्रांजेक्शंस भी इस डेटा आइटम को एक्सेस कर सकती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फंडा है कि जब हम एक शेयर्ड वेरिएबल की बात करते हैं तो शेयर्ड वेरिएबल के केस में किसी ट्रांजेक्शन को अगर किसी डेटा आइटम पर काम करना होता है तो पहले उस पर लॉक लगाते हैं, फिर वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल ऑपरेशंस द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रिलीज द लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर दो स्टेप्स होते हैं लॉक के। फर्स्ट है आपका एक्वायर करना, लॉक एक्वायर करना, ठीक है, और सेकेंड है लॉक रिलीज करना, फाइन। तो कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले इन दो स्टेप्स को जरूर परफॉर्म करेगी, फाइन। तो ये एक जनरल सा फंडा था कि लॉक क्या है। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे शेयर्ड लॉक क्या है और एक्सक्लूसिव लॉक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज शेयर्ड लॉक। शेयर्ड लॉक में क्या होता है कि शेयर्ड लॉक मींस रीड ओनली लॉक है। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर किसी पर्टिकुलर डेटा आइटम को रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती है तो वो कौन सा लॉक लगाएगी, वो शेयर्ड लॉक लगाएगी। इट मीन्स कि मल्टीपल ट्रांजेक्शंस एट ए टाइम एक ही डेटा आइटम को रीड कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये जो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं हम, वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है डेटाबेस की। ठीक है, हमें क्या, सीरियलाइजिबिलिटी और रिकवरेबिलिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या करना कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर, कि वी नीड टू डेवलप अ प्रोटोकॉल दैट फॉलो द रूल्स ऑफ द सीरियलाइजिबिलिटी और रिकवरेबिलिटी। ठीक है, हम इसमें प्रोटोकॉल डिजाइन करेंगे जो सीरियलाइजिबिलिटी और रिकवरेबिलिटी को फॉलो करेगा, फाइन। तो सबसे पहले एक शेयर्ड लॉक है उसमें क्या हुआ, रीड ओनली लोग हैं। तो मीन्स क्या हुआ, आपके पास दो ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन T1 और T2, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन T1 ने क्या किया, शेयर्ड लॉक लगा रखा है डेटा आइटम A पर, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग द शेयर्ड लॉक इट परफॉर्म्स द रीड ऑपरेशन ऑन द डेटा आइटम A, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन T2 ने क्या किया, उसने भी शेयर्ड लॉक लगाया डेटा आइटम A पर और ऑपरेशन परफॉर्म किया रीड का, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने सीरियलाइजिबिलिटी के अंदर भी किया था कि जब कोई ट्रांजेक्शन रीड ऑपरेशन परफॉर्म करती है एक ही डेटा आइटम पर तो कोई कंफ्लिक्शन नहीं होता, ठीक है। तो रीड जो ऑपरेशन होता है नो कंफ्लिक्ट, मींस मल्टीपल ट्रांजेक्शंस कैन परफॉर्म रीड ऑपरेशन ऑन द सेम डेटा आइटम, फाइन। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो सेकंड जो आपके पास लॉक है वो है एक्सक्लूसिव लॉक। अब एक्सक्लूसिव लॉक में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब एक्सक्लूसिव लॉक को एक्वायर करती है तो वो रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। देखिए एक्सक्लूसिव लॉक में यहां पर आपके पास दो ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन T1 ने क्या किया, एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर किया ऑन द डेटा आइटम A, ठीक है। आफ्टर दैट इट परफॉर्म द रीड ऑपरेशन ऑन द डेटा आइटम A, देन परफॉर्म राइट ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम A। आफ्टर परफॉर्मिंग द राइट ऑपरेशन बाय द ट्रांजेक्शन T1, T2 स्टार्ट्स द रीड ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम A, ठीक है। जनरली ऐसा हुआ तो क्या प्रॉब्लम आई आपकी कि ट्रांजेक्शन T1 ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, ट्रांजेक्शन T2 ने डेटा आइटम A पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया। इससे क्या होगा, कंफ्लिक्ट होगा, ठीक है, ये कंफ्लिक्ट होगा। आपको पता है रीड हम कर सकते हैं, रीड राइट के केस में, राइट रीड के केस में और राइट राइट के केस में कंफ्लिक्शन होगा, जो कि ठीक है जिसको हम अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर राइट और रीड दो टाइप के ऑपरेशंस हो रहे हैं, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करिए ट्रांजेक्शन T1 और रीड ऑपरेशन परफॉर्म करिए आपकी ट्रांजेक्शन T2, तो इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या, एक्सक्लूसिव लॉक है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव लॉक का मतलब आप क्या समझिए कि जब किसी ट्रांजेक्शन ने एक्सक्लूसिव लॉक को एक्वायर कर लिया है तो कोई और दूसरी ट्रांजेक्शन उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। कब तक नहीं कर पाएगी, जब तक कि वो ट्रांजेक्शन जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन थी वो उसको अनलॉक ना कर दे या उसको रिलीज ना कर दे। अब एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपके पास ट्रांजेक्शन T1 है, ये है आपके पास ट्रांजेक्शन T2, ठीक है। ट्रांजेक्शन T1 ने एक्वायर किया, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म किया राइट A और सॉरी रीड A और राइट A। आफ्टर परफॉर्मिंग राइट ऑपरेशन इट अनलॉक्स द डेटा आइटम A। अब इसके बाद आपकी ट्रांजेक्शन T2 कोई भी लॉक एक्वायर करके कोई भी ऑपरेशन कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव लॉक को, फाइन। तो ये था आपका एक्सक्लूसिव लॉक। इसके लिए आपके पास एक कंपैटिबल टेबल है, इसको आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। कंपैटिबल टेबल में अंदर इसके अंदर क्या रहेगा कि जब शेयर्ड है, दो ट्रांजैक्शन दोनों ही शेयर्ड लॉक पे काम कर रही हैं, यानी कि क्या करेंगी, वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी और रीड ऑपरेशन आप उसको अलाउ कर देंगे, तो इसको हम लिखेंगे ट्रू। अभी मैंने बताया कि रीड क्या है, वैलिड है, कोई कंफ्लिक्शन नहीं आएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को ये डेटा आइटम प्रोवाइड कराने में, ठीक है। अब देखिए, अब एक ट्रांजेक्शन ने एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर किया हुआ है और दूसरी ट्रांजेक्शन उसके ऊपर शेयर्ड लॉक चाह रही है, तो क्या होगा, एक्सक्लूसिव लॉक यहाँ पर अप्लाई कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी ट्रांजेक्शन क्या कहती है, यहाँ पर वो चाहती है शेयर्ड लॉक। शेयर्ड लॉक में आपको पता है कि ओनली रीड ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, तो रीड ऑपरेशन करना चाहती है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, राइट और रीड वाली प्रॉब्लम आएगी, ये वाली प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए ये इसको अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रांजेक्शन के पास एक्सक्लूसिव है, दूसरे ट्रांजेक्शन के पास शेयर्ड है, अगेन क्या होगा कि वो उसको अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पर राइट और रीड की प्रॉब्लम दोबारा से आएगी, तो अगेन इट विल बी फॉल्स। एंड अब एक ट्रांजेक्शन ने एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई कर रखा है, दूसरी क्या है कि दूसरी भी रिक्वेस्ट कर रही है एक्सेस करने के लिए एक्सक्लूसिव लॉक को, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सक्लूसिव में हम क्या करते हैं, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों एक ट्रांजेक्शन राइट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं डेटा आइटम पर, तो क्या होगा, कन्फ्लिक्शन आएगा, इसलिए आप इसको भी अलाउ नहीं करेंगे, तो अगेन इट विल बी सेट एज फॉल्स। तो ये कंपैटिबिलिटी टेबल है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का स्टूडेंट यही डिस्कशन हमारे इस वीडियो में कि लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होते हैं। फर्दर वी हैव टू टाइप्स ऑफ द लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक, जिसके बारे में हमने डिटेल में किया। शेयर्ड लॉक में सिर्फ रीड ओनली ऑपरेशंस होगा और एक्सक्लूसिव लॉक में रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। उसके बाद ये कंपैटिबिलिटी टेबल है जिसको आपको अच्छे से लर्न करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको पढ़िएगा और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।